पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद, मैं हूँ अली अमजद चौधरी। पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम सफर जारी है पूरे पाकिस्तान में, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के हर हलके में जाके करेगी सर्वे, लोगों से उनकी राय जानेगी कि वो वोट किसे देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाहते हैं। इस वक्त मैं PP 214 मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता आम इंतखाबात 2018 में ज़हीरुद्दीन अली ज़ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से कामयाब हुए थे और आसिफ रजुवाना वो यहां से दूसरे नंबर पर रहते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इस वक्त की यहां की सूरत हाल क्या है, लोग किसे वोट देना चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं, किसे नहीं पसंद करते, लोगों से राय जानते हैं। वालेकुम सलाम। इस इलेक्शन में वोट किसे देने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को देने जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ के कौन से उम्मीदवार हैं यहाँ पे? उम्मीदवार यहाँ पे शाहिद साहब हैं, कौर भी हैं, आज ये एहसानुद्दीन कुरैशी साहब भी हैं। अच्छा ये बताएं कि ये अस्सलाम वालेकुम जी, अगले इलेक्शन पे वोट किसे देने जा रहे, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, किसे दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के यहाँ पे ज़हीरुद्दीन साहब ने, मेरा हल्का उधर है वो अपना, तहरीक इंसाफ को देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसे वोट देने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून को? मुस्लिम लीग नून को। किस वजह से? क्योंकि उसने जो पिछला अपना दौर गुजारा वो अच्छा गुजारा। कोई भी बंदा आ जाएगा आप दे देंगे उसे? नहीं, मैं सिर्फ, मेरा वोट मुस्लिम लीग नून के लिए है क्योंकि उसने अपने दौर में बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। अगले इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, किसे देने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ। कोई भी बंदा आ गया? कोई भी आ जाए, लेकिन उस तरह गलती नहीं करेंगे, ईमानदारी बंदा आएगा। यानी कि आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो भी बंदा आएगा ईमानदार आएगा? कोशिश तो यही है। ज़हीरुद्दीन अली ज़ही साहब आ जाते हैं, इनको नहीं जानता, लेकिन आप तहरीक इंसाफ को लेंगे? तहरीक इंसाफ कोई भी इलेक्शन लड़ा था, जब भी अली ज़ही नजर नहीं आया, अब भी अली ज़ही नजर नहीं आएगा? अब भी नजर नहीं आया? नहीं आया, ना ही हमेशा नजर आएगा। नवाब ही कभी किसी को नजर आया है? नवाब नजर आया है? आपने नून लीग, नून लीग, हाँ जी, आपका वोट किसका है? नून, नून लीग, नून लीग। हाँ जी, आपने वोट किस बार भी नून लीग? नून दी, आप भी नून आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वोट देने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसे दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को जी। पीटीआई कोई भी आएगा, पीटीआई का आपने दे देना है? पीटीआई को। खान साहब का है? इमरान खान का। लव यू हो गया खान साहब? लव यू खान साहब। कब से हुआ है? शुरू से ही। वजह क्या है? विजन, मतलब एज ए कॉम डील कर रहे हैं वो। अच्छा, एज ए खान साहब नहीं है, सबसे बड़ी बात जो है एज ए कॉम, एज ए कॉम पूरी कॉम को यकजा कर किया हुआ है। अमरीका की गुलामी ना मंजूर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अगले इलेक्शन में वोट किसका, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसे देने जा रहे हैं? हमारा दिल जो है ना टूट गया है, हम किसी को वोट नहीं देना चाहते। दिल्ली टूट गया? हाँ, दिल्ली टूट गया, किसी ने वोट नहीं देना चाहते। इन्होंने मुल्क लिए कुछ नहीं किया, तबाही तो दहाने, बर्बादी तो कर दिता है। किसने तोड़ा है दिल तेरा? नून लीग वालों ने। अच्छा, सब ने तोड़ दिया? हाँ, मैंने कहा था कि ये पुराना पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा। उसका चार साल का जो जुल्म है, दौर है, उनकी सेटिंग करेगा। अच्छा। कोई गरीबों को रिलीफ देगा। इन्होंने आके और पाकिस्तान में और ज्यादा जुल्म? हाँ, ना नए पाकिस्तान में कुछ मिला है, ना पुराने में ठीक है। इससे हम जो है ना, अच्छा वो गुलाम ही ठीक था। दिल लगाया किसके साथ था? दिल ये नून लीग वालों के साथ लगाया था, लेकिन दिल तोड़ दिया। हाँ, कप्तान को मैं एज ए खिलाड़ी पसंद करता हूँ, एज ए सियासतदान पसंद नहीं करता। अब क्या करेंगे, अब किसे चुनेंगे? अब किसको नहीं चुनना, अब मैं यही कहता हूँ कि यही जो टाइम इनके पीछे भागना करना है ना, अल्लाह को टाइम दें, वो हर मुश्किल में काम आता है। आपने वोट डालने नहीं जाना? नहीं, दिल टूट गया, गुस्सा हो गया। हाँ, अल्लाह को टाइम देना है उसको, वो हमारे, हम उसका हक अदा नहीं भी कर रहे तो वो भी हमारा वो कर रहा है। फिर तो इनके, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, रोटी से भी तंग कर दिया, दो टाइम की रोटी भी दाल के साथ मुश्किल खाना कर दिया है, ये बिल्कुल मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। हाँ, वोट किसे देने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसे दे रहे हैं? हम तो तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह दे रहे हैं। कोई भी आ गया? मेरे ख्याल में आगे जो इंटर हुआ पड़ा है ना, मतलब कि जिसको भी इमरान खान ने टिकट दे दी, हम पीटीआई के टिकट पे फिर भी दे देंगे। अगर वो हमारा मुखालिफ है ना, हमने उसको देखना ही नहीं है कि आगे जो है ना वोट पे है कौन। हमने सिर्फ ये करना है कि जो बल्ले की निशानी है ना, उस पे जाके हमने मुहर लगानी है। आपने सिर्फ बल्ले को वोट? जी जी जी। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसे देने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, या किस कोई और? किसी ने कहीं को नहीं दे रहे भैया। वजह क्या? अपने हालात खराब हैं, खाने को कुछ मिलता नहीं है। नहीं, वोट ना देने से हालात सही हो जाएंगे? नहीं, ये बात नहीं, अगर देना तो पड़ेगा किसी न किसी को। मैंने कौम की अमानत है तो वोट तो देना चाहिए। नहीं, देंगे इंशाल्लाह सर। किसे देंगे? देखो जो आ गया उसको दे देंगे।
वोट किसे देने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, किसे दे रहे हैं इस बार? नून लीग नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां साहब का कौन सी ऐसी आपको अच्छी बात लगती है जिसकी वजह से आप उन्हें वोट दे? मियां साहब ने इस मुल्क के अंदर रोडों का जाल बिछाया, मियां साहब ने इस रोड मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की, मियां साहब ने साहब जब थे तो पेट्रोल कहाँ था और आज कहाँ है, और मियां साहब ने बिजली का बुरान दूर किया। इस इमरान खान ने 4 साल में क्या दिया, आप ही जवाब दें इस बात का, कोई उसका एक काम बताएं जो उसने किया हो। सेहत कार्ड जैसे मंसूबे दिए, सेहत कार्ड भी उनको दिए हैं जो उनके जानने वाले थे। सेहत कार्ड तो सबके लिए ना, आपका आईडी कार्ड सेहत कार्ड है से, कोई ये इतनी बड़ा फेवर नहीं है, जो नवाज शरीफ का काम है वो इसके काम नहीं है। अस्सलाम, किसे वोट देने जा रहे हैं? तरीके से खान, इमरान खान, इंशाल्लाह जो भी बंदा आ गया आपने दे देना है। इमरान खान जो भी बंदा आ गया आप उसको देना, लास्ट चांस है पाकिस्तान। सबसे अच्छी बात क्या लगती है? खान साहब ने इस्लामोफोबिया के बारे में आवाज उठाई, सेहत कार्ड दिया, स्ट्रिंग रूम बनाए, लंगर खाने चलाए, और सबसे अच्छी बात जो उसने शोर दिया है, और इसी वजह से आप खान साहब। हाँ, इसी वजह। वालेकुम सलाम। किसका है? तरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी। इमरान खान को देना है। इमरान खान को, इमरान खान को कुछ भी हो जाए, इमरान खान को देना है। इमरान खान को देना, इतना लव यू हो गया है उनसे, इंशाल्लाह सबसे सबसे इंशाल्लाह। इमरान खान अच्छा बंदा है, मुल्क को कर्जे से निकाल दिया, और मुल्क में महंगाई ख़त्म किया था। अभी इंपोर्टेड हुकूमत जो आया है इसने बहुत महंगाई वो किया था ना, यानी वोट खान का। हाँ, वोट खान का है, इमरान खान का, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैर। वोट किसे दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, किसे दे रहे हैं? सर किसी को भी नहीं देना। वजह क्या है? ये अच्छे काम करेंगे तो हमें फ़ायदा है, ये गलत काम करेंगे तो हमें भी नुकसान है। मतलब किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया? जिन्होंने किया उनको रहने नहीं देते। किसी से उम्मीद है आपको कि अच्छा काम करेगा वो? उम्मीद बस सर, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लेकिन अभी तक अच्छा काम हुआ? अल्लाह पाक कोई ऐसा बंदा भेजे कि सबके मसाइल हल हो जाएं। जो आजकल महंगाई का दौर है तो जिसे हर बंदा परेशान है, बहुत परेशान है। अस्सलाम, किसे वोट देने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, किसे दे? नहीं, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग नून को ना जी। मियां साहब की कौन सी खास ऐसी बात आपको पसंद है जिसकी वजह से नून के उसके दौर में कारोबार भी वसी था, कोई परेशानी नहीं थी, गरीब आदमी। अब ये आगे इसने 3.5 साल की हुकूमत संभालने के बाद जो हालात ख़राब किए हैं वो आपके सबके सामने हैं। आप समझते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ जो है ये इमरान खान साहब? इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून। तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का जी, कोई भी आ जाएगा तहरीक इंसाफ का यहाँ से? अली सही साहब कोई आ जाए? सिर्फ तहरीक इंसाफ। खान को वोट देना हमने? खान को वोट, खान को वोट। इलेक्शन में वोट किसका है? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, किसका है? किसी का भी नहीं, हमने शिनासी कार्ड नहीं बनाया। अच्छा, इसीलिए नहीं बनवाया? हाँ जी। क्यों इतना गुस्सा है? कुछ सही होता नहीं है, मजदूरियां नहीं है, कोई काम ही नहीं है, हम क्या करें? अच्छा, कोई फायदा भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इस वजह से आप वोट नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे। इतना गुस्सा? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन में वोट किसे देने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, किसे दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को देंगे? बड़ी पार्टी को छोड़ के तहरीक लब्बैक की तरफ, वजह क्या है? दूसरों पे एतबार नहीं रहा, इमरान खान हो गया या नवाज शरीफ हो गया, इन पे एतबार नहीं है। बिल्कुल एतबार है, बिल्कुल भी इनको देना ही नहीं है वोट। किसने सबसे ज्यादा इनमें से तोड़ा है? नवाज शरीफ ने तोड़ा है, इमरान खान ने तोड़ा है, जरदारी ने तोड़ा है, मौलाना फजल रहमान? इमरान खान से ज्यादा उम्मीद थी। अच्छा, ज्यादा उम्मीद इमरान खान से थी, लेकिन जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। वो पूरी नहीं हुई जिस तरह महंगाई उन्होंने कर दी है अपने दौर के अंदर। हालांकि अब तो वो क्या नाम है पोजीशन में, जब वो हुकूमत में है तब भी उन्होंने महंगाई की, अब नून लीग ने उससे ज़्यादा आगे कर दी। वालेकुम सलाम। किसे वोट देने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग, नून? भाई मैं तहरीक इंसाफ को वोट दूंगा क्योंकि मैं पीटीआई को बहुत चाहता हूँ। पीटीआई बहुत अच्छा लीडर है, इमरान खान जैसा लीडर शायद भुट्टो के बाद इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो बहुत ही अच्छा लीडर है। बाकी मैंने अपनी सर्विस में बहुत कुछ देखा है, इमरान खान जैसा लीडर मैंने नहीं देखा। खान साहब जिसे भी टिकट देंगे आप वोट दे देंगे उसे? हाँ, इमरान खान जिस बंदे को चुनेंगे वो वाकई उस काबिल होगा और तभी उसे वोट दिया जाएगा। खान साहब की सबसे बड़ी खसूसियत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? खान साहब की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो उसके अंदर जो जज्बा है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी बंदे से ना डरता है, ना झुकता है। हाल देखी जाए तो इमरान खान बेस्ट लगते हैं इनमें से। इमरान खान बेहतर है? बेहतर है। यानी आप इमरान खान साहब को वोट देने जा रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इनमें से बेहतर है। अगले इलेक्शन में वोट किसका है? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी? ये इमरान खान का है, मुस्लिम अपना, तहरीक इंसाफ का। आप किसे दे रहे हैं? मैं इमरान खान को। आप वोट किसे दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को दे रहे हैं?
पीटीआई को। हाँ जी, अगर आपका वोट होता तो आप वोट किसे देते? इमरान खान। इमरान खान को देते? इमरान खान को किस वजह से दे रहे हो? हैं?